the fifth paper of uh, jkcmdm mdms october 2017 so am 2 user 357 regarding second stage of labor begins with regular uterine contraction and ends with complete cervical dilatation at 10 cm so second stage of labor begins with regular uterine contractions and ends with complete cervical dilatation एट टेन सेंटीमीटर नो लाइक टेन सेंटीमीटर तक कम्प्लीट नहीं होगा एंड टिल द डिली ऑफ फीटर्स जो होते हैं ना वो सेकेंड स्टेज होती है बिगन विद कम्प्लीट सर्वाइकल डाइलटेशन एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द फीटर्स पीरियड बिटवीन द डिलीवरी ऑफ द फीटर्स एंड द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंट एंड मै ब्रेन ये होता है थर्ड स्टेज इन वेर इज वोमेन द सेकेंड स्टेज शुड भी कंसिडर्ड फॉर अलॉन्ग इफ इट इक्स वन आर इन दी अब्सेंस ऑफ रीजनल एनस्टिजिया तो ऑप्शन बी ठीक है कि कंप्लीट से एंड कम्प्लीट सरोन फीटस इज का सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इसके बाद है फर्स्ट स्टेप इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज लिकोसाइट एक्ट एक्स्ट्राविसेशन होती है सेल ड्रेड मीडिया रिलीज वेदो डाइलेशन एंड इंक्रीज परमीबिलिटी और फेगोसाइटोसिस तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है वेजो डाइलेशन होती है और परमिबिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है एंड देन है जी ये एम सी क्यूज हुआ है रिपीट ये वेजिटेशन तो वाला इसके बाद है ऑफ़ दी फॉलोइंग डिजीज हैज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस सिस्टिक फाइब्रोसिस इन बॉर ऑफ फैमिलियर फेमिलियर पोलिपोसिस फैप अल्बनिजम तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस होगा फैमिलियर रेडीमेटस पोलिपोसिस फैप का ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सकेंड्री एमेरिया ने ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड लेडी इज ट्वेंटी फाइव ईयर लेडी है तो उसके अंदर सकेंड्री एमेरिया की क्या कॉज होगी इस ट्वेंटी फाइव प्रेगनेंसी हो सकती है पोलिसिस्टिक वेरियंट डिजीज नॉन क्लासिक सी एच कंजल एडिजनल हाइपरबलेजिया होते हैं सी एच पिछूट्री ट्यूमर तो ट्वेंटी फाइव में सिकेंड्री एमिनोरिया की मोस्ट कॉमन कॉज हम लगेंगे प्रेगनेंसी हो सकती है उसमें तो इसके बाद स्टेजेस ऑफ़ लेबर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इनिशिएशन टू फुल सर्वाइकल डाइलिटेशन टेन सेंटीमीटर तक होती है इनिशिएशन से फुल सर्वाइकल डाइलिटेशन टेन सेंटीमीटर तक स्टेज ऑफ लेबर होती है जिसमें लेटरन फेज और एक्टिव फेज होता है लेटरन फेज में स्लो डाइलेशन होती है अप टू हो डाइल डाइलेशन अप टू थ्री सेंटीमीटर और एक्टिव फेज में अप टू फुल डायलेशन होती है और एवरेज वन सेंटीमीटर पर आवर इन नली पैरस वोमेन और टू सेंटीमीटर पर आवर मल्टी पैरस वोमेन में एक्टिव फेज में डाइलेशन होती है फिर उसके बाद आ जाती है फुल सर्वाइकल डाइलेशन से टू सर्वाइकल टू डिलीवरी ऑफ फीटस तो इसमें पैसिव और एक्टिव फेज होती है पैसे में फुल डायलेशन डेलिटेशन टिल हैड रिचेज दल्विक फ्लोर और वोमेन देन फील्स डिज़ायर टू पुश एक्टिव में मदर पुशिंग हुर एपीड्यूरल्स तो यहाँ पे फुल डेलीशन से uh, ये हो जाता है डिजायर टू पुश तक तो ये हो गया सेकेंड में फिर जाता है डिलीवरी ऑफ पीटर्स टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ये थर्ड स्टेज होती है और जिसमें ट्रेडिशनल या एक्सपेक्टेंट और एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं नॉर्मली फिफ्टीन मिनट्स की होती है और लेस दैन फाइव हंड्रेड एम एल ब्लड लॉस होता है ये नॉर्मल है फिर उसके बाद इसमें है डेफिनीशन ऑफ एमिनोरिया इमिनोरिया की क्या क्या है डेफिनेशंस प्राइमरी एम्यनोरिया होता है नेवर हैड अ पीरियड एवर दी एबसेंस ऑफ मैं बाई एज फिफ्टीन और इवेल्यूशन शुड बी गन एट द एज थर्टीन इफ देयर हैज बीन नो डेवलपमेंट ऑफ एनी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट्रिस्टिक्स की डेवलपमेंट नहीं हो तो थर्टीन की एज पे हमने इवेलिएशन स्टार्ट कर देनी है अदरवाइज फिफ्टीन के एज तक अदर देर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी एमेनोरिया एट पीरियड्स देन स्टॉप्ड अपसेंस ऑफ मेंसेस फॉर थ्री मंथ्स इनरेगुलर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर सिक्स मंथ इफ इेगुलर है तो उसमें हम इसको कंसीडर करेंगे सेकेंडरी एमिनोरिया एटियालॉजी क्या होती है प्राइमरी एमिनोरिया में गोनेडल फेलर इज मोस्ट कॉमन कॉज गोनेडल फेलर की वजह से प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है यूट्यूब एजेनेसिस इज़ द मोस्ट कॉमन सेकेंड कॉज है ये एनोडिक्सा नरवोसा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमिनोरिया ओवरऑल इन इंटीन्स में एनोडिक्सा नरवोसा की वजह से होता है सेकेंड्री एमोरिया में प्रेगनेंसी इज मोस्ट कॉमन कॉज इस वजह से उनने प्रेगनेंसी को चूज़ किया था क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज में यही आता है फिर फोटी नाइन टू सिक्स टू परसेंट है वो हाइपोथेलमिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग ओवरी तो पी सी ओस जो है ना ये सेकेंड नंबर पर आ रही है फर्स्ट पर प्रेगनेंसी है yes, ये मेनोरिया में सेवन टू सिक्सटीन परसेंट हैपिट्यूटरी डिसऑर्डर्स टेन परसेंट में वेरिय डिसऑर्डर्स और सेवन परसेंट है एशन मैन सिंड्रोम के बाद आ जाता है सकेंड्री मिनोरिया सेकेंड्र मनोरिया की काज इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट तो कॉजिज इसकी हैं स्कैंडी मैंने की <coughs> हाइपोथैलमिक स्ट्रेस एनोरेक्सिया तो इसकी वजह से हो रहा है तो एलिविएट करेंगे एलिविएट स्ट्रेस एंड डाइट डाइट ट्रीटमेंट देंगे अगर हाइपोथैलमिक है, है या स्ट्रेस एनोरेक्सिया है तो इसके लिए आपने स्ट्रेस को कम करना है डाइट अच्छी करनी है और इसके बाद पिच्यूट्री ट्यूमर इसमें हमारा ही हैड सेनाटरसिका पिच्यूट्री सर्जरी रेडियोथेरापी कर सकते हैं हाइपोथैराडिजम टी एफ टीज में थायराइड फंक्शन के जो हारमोन होते हैं आ, तो थायरॉइड रिप्लेसमेंट करेंगे कंजेंटल एडिनल हाइप्रोप्लेजियम में सेवनटीन बीटास्ट्राडाइल डी एच ई एफ ए आई इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और ए सी टी एच के लेवल्स करवाएंगे कंजेंटल एडिनल हाइपरब्लोजियम में ट्रीटमेंट में सी ओ सी पी और कॉम्बाइंड एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल से होती हैं कॉर्टिसोल फ्लोडोकॉटिसोन एस फॉर पी सी ओस ओवेरियन सिस्ट है तो यूट्राइन पेल्विस अल्ट्रासाउंड करवाएंगे पेल्विस का सर्जरी और करायो कर सिस्टेक्टमी कर सकते हैं